गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। तो आप लोग देख रहे होंगे, जी हाँ, आज मैंने लगा रही है मेहंदी। और ये मेहंदी भी ना बहुत जल्दी जल्दी छूट जाती है। अभी मैंने 15 दिन 20 दिन पहले लगाया था और उसके बाद फिर से मतलब छूट गया, वाइट वाइट हो रखा है। तो आप लोग कोई सोल्यूशन बताइएगा कि ये मेहंदी 1 महीना कैसे चले, क्या डाल करके क्या मिलाएं। आशीर्वाद, मुझे थोड़ी ठंडी चीज़ें ना नुकसान करती है, मैं लगा लेती हूँ ना तो मुझे कुछ सर्दी जुकाम हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा डरती हुई हूँ। पर क्या करूँ, वहाँ मतलब वाइट वाइट बाल हो जाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, कहीं आ जाओ तो ख़राब लगता है, क्योंकि यदि ना करते रहो तो चल जाता है, यदि करते रहिए ना तो बड़ा बेकार लगा करता है। फिर कोई कुछ लोग टोक देते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो फिर आज संडे भी था और आज सुबह मॉर्निंग से कोई मुझे खाना की कोई भी जल्दी नहीं थी, तो हमने कहा चलिए आज हम लगा लेते हैं, चलिए हम मोबाइल ऐसे कर देते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो बस अभी आज मैं सवेरे मॉर्निंग वॉक करने गई थी और वॉक करके आई हूँ, और उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया है, फिर बर्तन वाली आई, उसको चाय बनाया मैंने, मैं भी खुद पी हूँ और उसको भी दी। उसके बाद मैं योगा वगैरह की हूँ थोड़ा सा, और बस थोड़ी देर लेटे थे, आराम कर रहे थे, तो फिर मैंने अभी मेहंदी लगा ली है। और आज ना सुबह सुबह मॉर्निंग में हम लोगों के यहाँ ना मौसम थोड़ा ठंडा है, मौसम ना यही चेंज हो रहा है, कभी ठंडी कभी गर्म, तो इस वजह से ये बदलते मौसम में बहुत ध्यान देना चाहिए, एकदम से स्वेटर को नहीं उतार देना चाहिए। और आप लोग बोलोगे मैं स्वेटर नहीं पहनी हूँ, जी हाँ, मैंने इसलिए अभी अभी जस्ट उतार रही हूँ क्योंकि मुझे मेहंदी लगानी थी, तो मैंने कहा लगाऊंगी तो फिर कपड़े में लग जाएगा, इसीलिए मैंने ग्रीन कलर की मैक्सी पहन ली है, मैंने कहा इसमें लगेगा अभी तो उतना ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा। और क्या बनाने जा रही हूँ, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, और संडे है तो इत्मीनान से खाना बनेगा और आज पूरा दिन ऐसे ही जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये सेम रखा हुआ है, मेरे हस्बैंड लाए थे अपने लिए, पर इसकी नौबत ही नहीं आई, जैसा कि वो हरी सब्जी ही बनवाते हैं तो कुछ सब्जियाँ रखे रखे ख़राब हो जाती। तो मैंने कहा बैगन रखे हैं तो आलू बैगन सेम टमाटर यही बनाऊंगी, और सब्जी ना सच में ना बहुत ही टेस्टी लगती, किसको किसको अच्छी लगती ज़रूर बताइएगा। गांव देहात में अक्सर हमारी बहनें आलू बैगन टमाटर सेम की सब्जी बनाती हैं और खाने में ना बहुत टेस्टी लगती है, बना के आप लोग ज़रूर देखिएगा। और भिंडी करेला भी लाए हैं तो मैंने धो करके रख दिया है, अब करेला हम लोगों की तरफ आने लगा है, लेकिन अभी ये भिंडी और करेला दोनों ही महंगा है, तो मैंने रात में ही इसको धो करके रख दिया है। जो है ये है गाजर और ये भिंडी, तो अब इसको आज मैं नहीं बनाऊंगी, कल इनके लिए मॉर्निंग में स्कूल के लिए टिफ़िन के लिए बनाऊंगी, क्योंकि ये सूखी सब्जियां हैं ना तो थोड़ा सा टिफ़िन के लिए अच्छी रहती हैं। तो इसको मैंने धो दिया है, ये अपना रखा रहेगा। और मेरे हस्बैंड ये देखिए, इनकी स्कूल की दाई है तो उन्होंने चिप्स बना करके ये मतलब रखी थी, तो ये थोड़ा सा लाए हैं तो इन्होंने कहा इसको रख दो। मैं आपसे बताऊँ, चिप्स है अच्छा है, मैं ये नहीं कह रही, पर जो मैं चिप्स बनाती हूँ ना, मेरे हाथ के चिप्स की बात ही दूसरी होती है, और एकदम सफ़ेद सफ़ेद रहता है, उसको आप छानिए तो बिल्कुल सफ़ेद निकलता है। तो मैं बनाऊंगी 10 किलो तक, मैं जो है अपने अपने से बनाऊंगी, क्योंकि कोई आवा जाए, और अपने हमारे बच्चे भी मेरे ही हाथ का चिप्स ज़्यादा पसंद करते हैं, और मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, ऑयली चीज़ कोई ज़्यादा हमारे घर में खाते ही नहीं है, और परहेज भी करना चाहिए। वैसे भी आजकल लोगों को देख रहे होंगे डायबिटीज़ है, कहीं कुछ प्रॉब्लम कहीं कुछ, तो आप लोग थोड़ा सा ऑयली चीज़ें से दूरी बना करके रख लिए हैं, तो खाना चाहिए 1 दिन 2 दिन ऐसा नहीं है, लेकिन लिमिट में खाना पीना चाहिए। और मठरी बनाती हूँ, नमकीन बनाती हूँ, यही सब मैं बनाती हूँ, बाकी पहले तो मैं बहुत कुछ बनाती थी, लेकिन अब किसी को खाना नहीं है, क्या फ़ायदा इतना सब कुछ बनाने का। तो कैसे हैं आप सभी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और इसी तरह आप सभी लोग अपना सपोर्ट हमारे साथ बना करके रखें, ताकि क्योंकि जब आप लोग सपोर्ट बनाएंगे और कमेंट अच्छे अच्छे करेंगे और मेरा साथ निभाएंगे, तो मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ अच्छी अच्छी वीडियो आपको देने के लिए। और अभी हमने वुमेंस डे भी मनाया, और
अपने चैनल का मैंने जो है सेलिब्रेशन भी किया, क्योंकि मेरे चैनल को 4-5 साल हो गए हैं आपसे मैं बता दूं, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों का साथ हमेशा मेरे साथ बना रहे और ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, बस यही बहुत है। और जो मेरे भाई बहन मेरे काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद कि वो अपना इसी तरह मेरा साथ निभाए हैं, और हमेशा निभाते रहिएगा, सपोर्ट करिएगा, क्योंकि बिना एक दूसरे के सपोर्ट के हम आगे नहीं जा सकते हैं। और मैंने फिर वुमेंस डे भी था, तो फिर मैंने अपने फ्रेंड को मतलब फ़ोन किया कि चलिए आज हम आप लोगों को पार्टी देते हैं, और काफ़ी दिनों से हम कह रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, मेरी सासू माँ की तबीयत ख़राब चल रही है जैसे कि पता ही है आप लोगों को थोड़ा सा, तो इस वजह से घर में थोड़ा सा सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगा मुझे। मैंने कहा मैं इन लोगों को किसी रेस्टोरेंट में वहीं पर इन लोगों को इनवाइट करती हूँ, और वहीं पर इन लोगों को खाना पीना भी खिलाते कुछ भी खिला पिला देती हूँ, और केक कट भी कर देती हूँ। तो मैंने किया, मैंने वीडियो कल अपलोड कर दिया, तो जा करके जो मैंने ना देखी हो ज़रूर देखिएगा हमने कैसे सेलिब्रेशन किया है और इंजॉय किया है, तो ज़रूर उस वीडियो को सपोर्ट करो, जा करके फिर देखो। और इस बस इसी तरह मैं यही कहूँगी कि आप लोग इसी तरह अपना सपोर्ट मेरे साथ बना के रखिएगा, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं बनाना खाना, क्योंकि अभी 9 बजने वाले हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है, फिर मुझे बाल वगैरह भी धोना है। मैंने कहा जब तक मैं खाना पीना बनाऊँगी तब तक मेरे बाल सूख जाएंगे। ठीक है, रखते हैं, अभी होली आ रही है, होली पे जानते हैं ना बहुत काम हो जाता है, साफ़ सफाई और दुनिया भर की चीज़ें बनाना तो बहुत काम हो जाते हैं सच में। तो चलिए ठीक है, हम बनाते हैं, और क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, फिर आपसे मिलते हैं। हींग और अदरक डाला है, ऐसे सूखा सूखा दो दो टुकड़ा खा मैं स्वयं क्या किया उबाल दिया है, और आलू बैंगन सेम की सब्जी भी बना दी है, तो खराब हो रही थी। गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पर आज आप लोग देख रहे होंगे हम बना रहे हैं बड़ा। तो जी हाँ, क्योंकि मुझे डिब्बा खाली करना था और उसमें थोड़ा सा उड़दी का दाल था, तो मैंने कहा चलो आज संडे भी है तो हम बना देते हैं बड़ा। मेरे हस्बैंड ने कहा दही में बोर दो, तो मैंने कहा अरे यार थोड़ा सा था तो मैं दो दो ठो बना दे रही हूँ, तो टेस्ट कर लो, फिर होली आ रही तब बनाऊँगी। और एक तरफ यहाँ पर मैंने अपने मॉर्निंग की चाय भी बना दी है, और एक तरफ ये देखिए यहाँ पर दूध रखा है, ये शाम की जो है क्लिप है, सॉरी ये मॉर्निंग का नहीं है, शाम का है, तो ये इवनिंग का टाइम है। तो मैंने सुबह सभी को खाना पीना खिला दिया था, जो है सभी लोग खा पी चुके थे, और उसके बाद मैं हाथ धो करके आराम भी कर ली थी, क्योंकि संडे था ना, संडे को ज़्यादा काम जो है सारा काम लेट होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती है, सभी लोग देर से खाते हैं, तो इसी की वजह से सब काम लेट हो जाता है। फिर मैं 1-1.5 बजे खाली होके फिर मैं सो गई थी, क्योंकि मैं 5 बजे भोर में उठती हूँ, वॉक करने जाती हूँ तो नींद लगती है। तो ये शाम की है, तो शाम को मैं अपना ये देखे मैं चाय जो है छान रही हूँ, क्योंकि मुझे 4 बजे ना, मुझे मेरा दिमाग ना दस्तक देता है कि मुझे चाय पीना है, क्योंकि चाय की इतनी बुरी मतलब लत है कि अब क्या बताएं, छूटती ही नहीं है। लेकिन ज़्यादा नहीं पीती हूँ कि मैं दिन भर पीती, और मैं शुगर भी नहीं लेती हूँ चाय के साथ, वो आता है जीरो शुगर फ्री, तो उसी को मैं मतलब डाल करके ही चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर हमने चाय छान लिया है, तो आइए आप भी चाय पी लेते हैं। और मौसम ना एकदम से चेंज हो गया, एकदम धूप हो रखा है जो है, और अभी बहुत ही काम पड़ा है सच में, अभी जाड़े वाले पूरे कपड़े वगैरह ठंडी के सारे घर में इधर उधर सब कपड़े फैले हैं, पर अकेले ना वही है कि अकेले के बस का भी नहीं है। देखते हैं छोटा वाला बेटा आएगा तो साथ में ही मिल करके ही रखेंगे, कुछ कपड़े मैं रख दूंगी, कुछ है तो उसको एक लोग की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे बर्तन वाली मेरे यहाँ लगी है, मैंने सोचा था कि उसी को कह दूँगी, लेकिन क्या है ना, देखिए किसी औरों को हम अंदर तो अपने कमरे में मतलब ले नहीं सकते ना, तो अच्छा नहीं लगता है जो है।
पता नहीं कैसे भाई, देखिए विश्वास तो होता है लेकिन किसी को अंदर नहीं कर सकते, जहाँ पे सब सामान वामान रखे रहते हैं, खोलना बक्सा ये सब चीज़ें, तो गैरों को तो हम नहीं अपने अंदर गुजार सकते। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने ले लिए है थोड़ी सी नमकीन, और मैं बता दूँ मैं चाय के साथ नमकीन नहीं खाती, लेकिन शाम के समय मुझे कुछ चाहिए तो मैंने चना और नमकीन दोनों मिक्स करके लिया है, भुना चना। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये है शाम का टाइम, लगभग 5:30 से ऊपर हो रहे हैं, 6 बज रहे हैं। और मैंने बना ली है अपनी इवनिंग की चाय यहाँ पर, ये देखिए। और मैंने साथ में ले लिया है इसके ये भुना चना। और आज मैं शाम को बनाने जा रही हूँ, ये देखिए, मेथी। तो मेथी को मैं ये छांट रही हूँ क्योंकि इसमें ना कचड़ा बहुत ज़्यादा था, ये देख रहे होंगे। तो इसको छोटे छोटे फुनगी टाइप के उसको तोड़ तोड़ के इसमें रख रही हूँ और अभी धोऊंगी। तो शाम को यही बनाऊंगी, मेथी और एक आलू की सब्जी डाल के। बाकी और जस्ट खाना सारा पूरा रखा है क्योंकि आज संडे था, तो सारा मतलब खाना सब लेट ही बना था, मैंने लेट ही बनाया था। और बाल में मैंने आज लगाई थी मेहंदी, तो ये देखिए मैंने धुल लिया है। तो जैसा कि मैं निशा मेहंदी लगाती हूँ, तो उसमें ब्लैक और रेड मिला करके लगाई थी, तो धुल लिया था। फिर उसके बाद तब खाना वाना बनाए थे। तो आज आलू बैंगन सेम की सब्जी बनाए थे, चावल बनाए थे, रोटी बनाए थे, और थोड़ा सा उड़दी की दाल रखी थी, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा भी बना दिया था। बस खाने का मन था और डिब्बा मुझे खाली करना था, तो मैंने कहा चलो दो दो ठो बना देते हैं तो सभी लोग खा लेंगे। तो फिर जब सब लोग खा पी लिए थे, फिर मैं आज दोपहर में सो गई थी। तो अभी गई हूँ, जस्ट दूध ले आई हूँ और यहाँ पर चाय बनाई हूँ और चाय बना करके पी रही हूँ। और फिर शाम को इवनिंग में मेरे घर से फ़ोन आया मेरे भाई का। आज मेरी काफ़ी मेरी माँ से मतलब अभी 1 मिनट आप रख दिया। तो आज मेरी माँ की तबीयत मतलब इधर काफ़ी दिनों से कुछ थोड़ा सा उनकी सही नहीं चल रही है, उनको हल्का सा वीकनेस हो रही है। उनके मतलब दांत में ना कीड़े खाए थे, तो उन्होंने क्या किया था, उस दांत को चौभर उखड़वा दिया। तो जब चौभर को उखड़वा दिया है, तो उसके 3-4 दिन बाद से उनको मतलब चक्कर टाइप का आ रहा है। तो बीपी भी उनकी फ्लक्चुएट हो जा रही है, घटती है बढ़ती है। एक तो वो टेंशन भी बहुत करती हैं क्योंकि पापा नहीं है, तो पापा की भी टेंशन करती है। और वैसे भी थोड़ा बहुत उनको दिमाग में कोई भी चीज़ होती है तो तुरंत मतलब माइंड में ले लेती हैं। तो इधर बीपी भी उनकी फ्लक्चुएट हो रही थी, कभी बढ़ जा रही थी, कभी घट जा रही थी, कभी बढ़ जा रही थी। दवा खाने के बावजूद फिर बीपी लो हो जा रही है, फिर उसके बाद बढ़ जा रही है। और अभी बीच में मैं गई थी डॉक्टर को दिखाने, तो मम्मी मेरी रो भी रही थी मुझसे, मतलब फालतू की बातें कर रही थी कि अब हम नहीं जिएंगे, ये है। वो मम्मी ऐसे क्यों बोल रही हो, मेरे लिए तो तुम ही मेरे पापा हो, तुम मेरी माँ, तुम्हें यदि कुछ हो गया ना तो मैं अनाथ हो जाऊँगी। मैंने उनको समझाया, लेकिन और आज उनकी तबीयत फिर ख़राब हो गई थी, उनको ना हल्का सा चक्कर आ गया था। फिर दोनों भाई लेकर के गए हैं, डॉक्टर को दिखाए हैं, तो डॉक्टर ने कहा है कि इनकी थोड़ा सा ब्रेन में दिक्कत है, उसके वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। तो भी डॉक्टर उनको चलने फिरने के लिए मना किया है, बेड रेस्ट बताया है। कितना ईश्वर मेरे साथ गलत करेगा, मैं तो कुछ समझ भी नहीं पाती। पापा को ले गए यार अचानक, माँ है तो वो भी ठीक नहीं रहती है, कहीं कुछ दिक्कत, कहीं कुछ दिक्कत रहती है। कि अभी वो स्वस्थ रहे, अभी मुझे कि यार माँ बाप जी एक बार चले जाते हैं ना तो दोबारा नहीं मिलते हैं, बस वही ईश्वर से यही सोच रही हूँ कि वो ठीक रहे, स्वस्थ हो जाए। जो है एक तो थोड़ा सा ना वो खाने पीने का अपना ध्यान नहीं रखती है बिल्कुल, और तभी देखते हैं। अभी तो नहीं जाऊँगी, लेकिन जाऊँगी देखने के लिए, छोटू छोटा लो बेटा आ जाएगा तो भी जाऊँगी। तो उससे थोड़ा सा माइंड मेरा भी अपसेट है, माँ को सुन करके तबीयत जो है। आप खुद ही सोच सकते हैं कि जिसके पापा भी चले गए हैं और माँ की भी ऐसी स्थिति है, उस बेटी के ऊपर क्या गुजरेगी। अब वही तो है हमारे लिए मायके में सब कुछ, माँ है, बाप है, सब कुछ वही है। और हर बेटी का मायका भरपूर होता है जब उसके माँ बाप दोनों रहते हैं। क्या कहूँ मैं,
मेरे पास कोई शब्द है नहीं कहने के लिए। तो अभी डॉक्टर उनको बेड रेस्ट बताया है, ज़्यादा चलने फिरने के लिए मना किया है, केवल लैट्रिन बाथरूम जाने के लिए बोला है बस, बाकी उनको रेस्ट बताया है क्योंकि जैसे वो उठ रही हैं उनको चक्कर आ जा रहा है। तो अभी भाई बताया है, मैंने कहा उनको रेस्ट लेने दो, मम्मी से ज़्यादा नहीं बात कर रही हूँ, भाई से बात की हूँ कि उनको अभी रेस्ट करने दो थोड़ी देर जो है। चलिए तो आज मैं शाम को यही खाना बनाऊंगी, मेथी और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, थोड़ी सी ही रोटी बनाऊंगी क्योंकि कुछ खाना रखा भी है। चलिए ठीक है, रखते हैं। और मौसम ना सुबह शाम अभी थोड़ा सा ठंडा है, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बदलता मौसम है तो आप सभी बहनें अपना ध्यान जरूर रखें। अभी एकदम से कपड़े मतलब हटाइएगा शरीर से, सुबह शाम ज़रूर पहनिएगा। चलिए ठीक है, हम अपनी चाय पी लेते हैं, और मेरी चाय हो रही है ठंडी। आज मैं दूसरे दिन की एक क्लिप है, तो मैं आ गई हूँ अपने चित्रकूट धाम, मतलब यहाँ पर ना 5 दिवसीय रामायण मेला लगता है। जो चित्रकूट तरफ के होंगे जानते होंगे, तो यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। और यहाँ पे ये देखे मतलब कोई मतलब संत आए हुए हैं जो यहाँ पे कथा सुना रहे हैं जो है। तो ये है रामायण मेला, तो हर साल यहाँ पर 5 दिवसीय रामायण मेला लगा करता है। तो यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपने सामान को बेचने के लिए, बहुत ही अच्छा मेला होता है। तो बस आज मैं भी चली आई हूँ क्योंकि एक ही दिन का मेला बचा था जो है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा जाओ तुम्हें जो कुछ लेना हो ले लो। तो बस मैं आ गई हूँ, और मैं बताऊँ मैं अकेले ही आई थी, किसी के साथ नहीं आई थी, मैं ई रिक्शा बैठी थी और चली आई थी जो है। तो बस मुझे यहाँ पर पायदान वगैरह चद्दर वगैरह है और मैट वगैरह है और अचार वगैरह, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। कॉटन की धोती वगैरह भी 100-100 रुपए की मिल रही थी, 200-200 रुपए की। तो बहुत ही अच्छा मेला है, तो आइए आप भी इंजॉय करिए इस मेले में। मैं तो आई हूँ, मैंने थोड़ी बहुत वीडियो निकाली है, ज़्यादा नहीं निकाली क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मोबाइल लेके और फिर जानते हैं इधर थोड़ा सा गांव एरिया है तो लोग घूमने जैसे फिर भी मैंने कोशिश की है आपके लिए थोड़ी बहुत वीडियो निकाली की। चलिए ठीक है, संगीत का फ्रूट्स का मीठा अचार, मतलब तरह तरह के अचार ये बेचने आए थे राजस्थान से, आप लोग देख रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पर अचार लिया, और ये हमारे एक स्कूल कॉलेज CIC में वहाँ भी इन्होंने लगाया था, मैंने आपको वीडियो दिखाया था। तो मैंने यहाँ से सूरन का अचार लिया और आंवला का मुरब्बा लिया। लेने के बाद उसके बाद मैं फिर चल पड़ी, फिर यहाँ पर मुझे लेना था मैट वगैरह, नीचे जो है दरी जो होती है बिछाने के लिए। तो ये सब चीज़ें ना यहाँ पर बहुत अच्छे दिखते हैं, आप लोग देख रहे होंगे, कम्बल है और न जाने बहुत ही मतलब दूर दूर से लोग यहाँ पर सामान बेचने आए थे। तो मैंने वही सामान लिया जो हमारे इधर करवी क्षेत्र में नहीं मिलता है, आप लोग देख रहे होंगे। बेडशीट वगैरह भी बहुत अच्छी थी, बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे पास बेडशीट वगैरह कई ठो रखी हैं, इस वजह से हमने नहीं लिया। तो मैंने मैट लिया था नीचे बिछाने के लिए, अचार लिया था, और मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ ली थी जो मुझे मतलब मन था मेरा, पिछले साल भी मन था, मैं नहीं ले पाई थी, लेकिन इस साल
माल फिर मैंने लिया, मोल भाव किया और मैंने ले लिया जो है। सीआईसी में लगा था काफ़ी महंगा दे रहे थे, फिर यहाँ पे देखिए मैं घर आ गई। जी हाँ, मैंने लिया है अपने बेडरूम के लिए ये काउच, मतलब सिंगल सोफ़ा। तो कैसा लगा है आपको ये मेरा सिंगल सोफ़ा, ज़रूर बताइएगा। सच में मेरा रूम ना बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, और मुझे काफ़ी दिन से शौक़ था कि मैं अपने बेडरूम के लिए कुछ तो लूँगी बैठने के लिए, क्योंकि कोई आ जाता है मेरी फ्रेंड या कोई भी गेस्ट लेडीज़ तो मेरे ही रूम में बैठती हैं, तो मैंने क्योंकि फिर बेड में बिठाना पड़ता है, मैंने कहा चलो इसको मैं ले लेती हूँ। आप सभी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहिए, घर में स्वस्थ रहिए। तो यहाँ पर ये देखिए, आज मैं ये लेकर के आई हूँ काउच, जैसा कि आप लोग ये देख रहे होंगे। ये देखिए, ये सिंगल काउच है, मतलब तो आज मैं लेकर के आई हूँ। और हमारे तरफ यहाँ पर ये लगा हुआ है रामायण मेला, तो वहीं से मैं इसको बाय करके लेकर के आई हूँ जो है। तो ये कैसा लगा हमारा ये सिंगल, इसको काउच भी बोलते हैं, सिंगल सोफ़ा भी बोलते हैं। तो ये मैं अपने बेडरूम के लिए ली हूँ, अपने रूम के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी उससे शौक़ था कि मैं अपने रूम में एक ऐसा ही मतलब ये सोफ़ा रखूँगी सिंगल, तो फिर मैं लेके आई हूँ। तो ये अपने रूम में रख ली हूँ, अभी ये मुझे डल्लब वगैरह यहाँ से हटाना है। तो कल मैं, आज तो मैं सिर्फ यहाँ पर रखती हूँ, फिर इसको साफ़ सफाई करूँगी, तो ये हटा करके बच्चों के रूम में रख दूँगी, ये जो गद्दा रखा हुआ है। और आज मैं गई थी यहाँ अपने चित्रकूट रामायण मेला, यहाँ पर हर साल लगता है 4-5 दिन का दिवसीय ये प्रदर्शनी लगती है। दूर दूर से लोग अपने सामान बेचने के लिए आते हैं, मैटी वगैरह। तो ये देखिए, ये मैं मैटी भी ले करके आई हूँ, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये मतलब नीचे बिछाने वाला मैट है, तो बहुत ही खूबसूरत मिलता है यहाँ पर। ये देखिए, ज़्यादा लंबा नहीं है, इस तरीके से है। तो मैं इसी तरीके से 3 ठू ले करके आई हूँ और अचार ले करके आई हूँ, अचार वगैरह भी वहाँ पर बहुत अच्छा मिला करता है। तो मैं सूरन का अचार लेके आई हूँ और मुरब्बा लेके आई हूँ, और सामान तो काफ़ी है, खादी भंडार का भी सामान वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर नहीं लिया, जो सामान यहाँ मिल जाता है तो उसको लेने का क्या मतलब है। तो बस मेरा मेन मकसद था इसी को लेने का, तो मैं गई हुई थी। तो मुझे पिछले साल मेरे हस्बैंड एक लेके आए थे, तो आगे बैठ कर रूम में रखा हुआ है सिंगल, वो भी है, इसका पूरा सेट भी मिल रहा था पर 25,000-30,000, लेकिन बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये है कि लकड़ियों की कोई गारंटी नहीं है इस वजह से, और फिर हमारे यहाँ अभी जगह भी नहीं है रखने के लिए, तो मैंने तो इसको अपने रूम के लिए लिया हुआ है कि जैसे कोई आ जाता है बैठने का काम देता है, और वैसे भी बैठने उठने के लिए एक रूम में चाहिए। तो पहले मैं एक चेयर रखी हुई थी जो है, तो अभी चेयर यहाँ से हटा दूँगी, तो यहाँ पर इसको मैंने रख लिया बैठने उठने के लिए, कोई आ गया कभी कभार मेरे रूम में ही बैठ जाता है, तो इस वजह से। और बिस्तर में ख़ास तौर से बैठाना भी, जो कोई अपना है तो ठीक है, जो कोई बाहर से आता है तो फिर अच्छा नहीं लगता बिस्तर में, वो लोग खुद ही नहीं बैठते हैं, तो यहाँ पर ये मैंने रख लिया। और फिर मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, थोड़ा थोड़ा सा ही शूट की थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग जानने वाले भी थे, इसलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं मतलब वीडियो शूट करूँ, थोड़ा सा ही किया था। और मैं थक गई थी, यही रिक्शा से लेकर के आई हूँ मैं इतने दूर से, फिर थक गई थी, खाना नहीं खा के गई थी, थोड़ा बहुत चावल फ्राई की थी रात का रखा था, वही खा लिए थे, फिर आई हूँ, खाना खाई हूँ, दवाई खाई हूँ। मुझे इतनी भयंकर वाली नींद लगी है कि मैं सो गई हूँ और उठी हूँ 5:30 बजे जो है। तो बस आज मैं लौकी की सब्जी बना रही हूँ, अभी आज मैंने चाय भी नहीं बना के रखा है, और मैंने चावल फ्राई किया था तो इतना उसमें मिर्चा था कि मेरा पेट अभी तक जल रहा है। तो इस समय मैं खाना बिल्कुल कुछ भी नहीं खाऊँगी, क्योंकि खाना खाने की बिल्कुल मतलब भूख ही नहीं है बिल्कुल से। तो ये हमारा कितने का पड़ा है, तो मैं आपसे बता दूँ, ये मुझे 5,000 का पड़ा है, और इसकी दाम बहुत हाई फाई बताया है, मैं और कम कर रही थी पर वो कम का दिया ही नहीं, 5,000 का बोला, तो मैं 5,000 लेके गई थी। मुझे पता था कि इतने का, क्योंकि मेरे हस्बैंड पिछले साल लाए थे 5,500 ऐसे ही कुछ बता रहे थे, तो आप लोगों ने देखा है बाहर के रूम में रखा हुआ है, और ये हमने अपने रूम के लिए लिया है। तो कैसा लगा है ज़रूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। और आप लोग इसी तरह अपना सपोर्ट बना करके रखिएगा, क्योंकि आपका साथ बहुत ज़रूरी है, बिना आपके साथ के मैं आगे नहीं जा सकती ना आगे बढ़ सकती हूँ, इसलिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर अपना साथ इसी तरह निभाते चलना,
ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को दे सकूं। ठीक है, तो चलिए हमने लौकी की सब्जी छौंक दी है, बन जाए। फिर थोड़ा सा ही आटा लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि भूख ज़्यादा है नहीं, हस्बैंड भी मेरे ये कई रोटी खाएंगे। लेट देखिए, इसमें आप लेट भी सकते हैं आराम से, एक लोग आराम से इसमें लेट भी सकते हैं। इस तरीके से अभी मुझे इसके कवर भी बनवाने हैं, देखते हैं। मेरे पास रखे हुए हैं चद्दर वगैरह, तो उसी का मैं बनवाऊँगी, मोटे कपड़े का ही इसका बनवाऊँगी। तो अभी तो ऐसे ही रखा है क्योंकि बिना कवर के तो ये, और इसकी लकड़ियाँ कौन सी हैं कौन नहीं कुछ समझ में नहीं आता, लकड़ी का तो कुछ पता नहीं चलता, लकड़ी इसकी ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, जो है सो अच्छा है। चलिए ठीक है, रखते हैं, हम अपनी सब्ज़ी देख लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।